नहीं दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे एल्कोहलों का आईपीसी नामकरण। देखिए एल्कोहल क्या होता है, सबसे पहले किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से यदि हम एक हाइड्रोजन परमाणु को कम करके हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देते हैं तो जो समूह प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। जैसे एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, Cl H2n+1 × OH, यह आपका एल्कोहल कहलाता है, एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे एल्केन Cn H2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और जोड़ेंगे क्या, एक हाइड्रोक्सिल समूह। एक हाइड्रोक्सिल समूह यदि हम इस पे जोड़ देते हैं तो आपके पास फॉर्मूला प्राप्त होता है Cn H2n+1 × OH ना, अर्थात इसका आईपीएससी नामकरण, एल्केन का जो आईपीएससी नामकरण होगा क्या होगा ना, एल्केन AlkaN। अगर हम एल्केन में से, यदि हम एल्केन में से ई अक्षर को क्या कर दे, माइनस कर दे, ई अक्षर को माइनस करके प्लस क्या कर दे, OL, प्लस क्या कर देंगे, OL, तो क्या हो जाएगा, एल्केनॉल, AlkaNA, क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। एल्केन में से ई अक्षर को माइनस करके हमको क्या जोड़ना होगा, ठीक है, एल्केन में से ई अक्षर माइनस करके हम क्या जोड़ देंगे, आल, तो क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। ये आपके पास एल्केन में से माइनस कर देंगे ई अक्षर, प्लस कर देंगे ओ एल, क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। ठीक है, तो एल्केनॉल लिख लीजिए आप सब, हो गया। हम लोग पढ़ेंगे इसका आईपीएससी नाम। अगर देखिए एल्कोहल भी क्या होते हैं, जो एल्कोहल होते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर यदि एक OH समूह जुड़ा तो उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, जैसे CH3 OH, ये आपका क्या होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे कार्बन जिसमें OH समूह की संख्या क्यों लिखो वो आपका क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो अगर आपके पास CH3, CHOH, CHOH और CH3, यदि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या दो ही तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यदि इसकी संख्या आपके पास तीन हुई इसको क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। यदि तीन से अधिक होती है तो हम उसके लिए एक स्पेशल शब्द प्रयोग करते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसका हम आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे, तो आईपीएससी नामकरण करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, 1 डिग्री पूर्व लग्न अर्थात प्रतिस्थापी, तो इसमें प्रतिस्थापी तो कोई है नहीं, प्रतिस्थापी कोई है नहीं। उसके बाद दूसरा का क्या होता है, 2 डिग्री पूर्व लग्न, यदि रिंग बन रहा है तो उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कार्बन श्रृंखला का जो मेन सेन होता है, नंबर ऑफ कार्बन। यदि उसके बाद चौथा होता है एकल बंद है तो एन शब्द का प्रयोग करते हैं, द्विबंद है तो इन, और त्रियाबंद है तो आयन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लास्ट में होता है आपका क्या, 1 डिग्री अनुलग्न अर्थात क्रियात्मक समूह। तो यहाँ पे हमारे पास क्रियात्मक समूह क्या है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है ना, एल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो चलिए अगर इसकी बात किए तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक, कोई प्रतिस्थापी है नहीं, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, मेथ, एक कार्बन के लिए कितना, कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, मेथ ना। अब कहा है कि यदि किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम कम करके OH समूह जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होता है वही तो कहलाता है एल्कोहल ना, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल।
क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, मेथेनॉल। अब इसका नामकरण करेंगे, नंबरिंग चार्ज इधर से कर सकते हैं क्योंकि जो OH समूह है दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे जुड़ा हुआ है ना, तो एक दो तीन चार, कुल टोटल कार्बन कितने हुए? चार। कार्बन की संख्या कितनी हुई? चार। अब चार कार्बन है, कार्बन कितने हैं? चार। अब चारों कार्बन पे देखिए पोजीशन के साथ हमको दर्शाना है कि इसको कौन कौन पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है। जब ये कहीं ग्रुप दो बार जुड़ जाए तो उसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? डाई ना। क्या हो जाएगा? दो कामा दो, दो कामा दो, सॉरी दो कामा तीन ना, दो कामा तीन। अब दो कामा तीन, अब पहले आपके पास जो कार्बन है कितने कार्बन है? चार कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो। चार कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो ब्यूट बोलते हैं, मेन एक प्रो ब्यूट। हाँ ब्यूट, ठीक है ब्यूट। उसके बाद आपका कौन कौन से पोजीशन पे है? दो और तीन, क्या हो जाएगा? डाई। ठीक है ब्यूट दो कामा तीन डाई आल, मतलब कि आपके पास दूसरे और तीसरे के पोजीशन पे क्या जुड़ा है? एल्कोहल ग्रुप। इसी प्रकार इसका कर देंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन के लिए पेंट, पांच कार्बन के लिए पेंट, पांच कार्बन के लिए पेंट। अब उसके बाद कौन कौन से है? दो कामा तीन कामा चार ट्राई, ठीक है इसी प्रकार होता है। चलिए CH3 CH2 CH2 CH OH और CH, इसका IUPAC नामकरण क्या होगा निकालिए। क्या होगा? एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन है ना, तो पांच कार्बन के लिए क्या होगा? पेंट ना। अब तो आपका हाइड्रोक्सिल समूह किस पोजीशन पे जुड़ा है? दूसरे के पे, तो दो आल, या पेंटेनॉल टू भी लिख सकते हैं, पेंटेनॉल टू, ठीक है। और लिखते हैं दो पेंटेनॉल नहीं लिखते हैं, बताइए इसका क्या होगा? सबसे पहले IUPAC का जो रूल्स कहता है कि कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना ना, तो हम कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार होगा ना, एक दो तीन ना। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे एक क्रियात्मक समूह भी जुड़ गया है और एक एल्किल ग्रुप भी जुड़ा है। एल्किल समूह जो होता है आपका क्या? प्रतिस्थापी होता है, तो सबसे पहले उसको रखेंगे ना। तो प्रतिस्थापी में आपका दो का हो जाएगा? दो मेथिल, दो मेथिल। अब कार्बन को कितने हैं? एक दो तीन, प्रोपेनॉल और दूसरे पे आपका जुड़ा है का आल, ठीक है। ये आपके पास हो गया क्रियात्मक, क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी समूह, दो मिथिल हो गया। उसके बाद तीन कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, आपका सेकेंड टू जुड़ा है तो प्रोपेनॉल टू, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सब पढ़ते रहिए।